खिलाड़ी की जिद, भाई का साथ और हादसे ने कैसे बनाया एक सफल क्रिकेटर। 21 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाकर दुनिया को दहला दिया। क्रिकेट में जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए वो इस खिलाड़ी ने करके दिखाया। पिता के सपोर्ट, भाई का त्याग और इनकी कड़ी मेहनत ने टीम इंडिया का बड़ा खिलाड़ी बना दिया। दोस्तों, धोनी को आदर्श मानने वाला, विराट की तरह बैटिंग करने वाला इस खिलाड़ी के आगे गेंदबाज पानी मांगते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हम अपने दोस्तों के बीच, परिवार के बीच किसी बात को लेकर मजाक करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो जिंदगी को लेकर किए गए मजाक कभी कभी मजाक बनकर रह जाता है, तो कभी वही मजाक इतिहास रच देता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में एक ऐसा जाबाज और युवा खिलाड़ी है जिसने मजाक में क्रिकेट को खेला और हकीकत में उसने इतिहास रच दिया। आज दुनिया उसे सलाम कर रही है क्योंकि उसने किया ही कुछ ऐसा ही कारनामा। पिछले साल यानी आईपीएल के 15वें सीजन की नीलामी में वो सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे और हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में उसने दोहरा शतक जड़कर दुनिया को अपने खेल के अंदाज से रूबरू करवाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज हम लेकर आए हैं एक और खिलाड़ी के जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातों को लेकर। आज बात करने वाले हैं 5 फुट 6 इंच के बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और विकेटकीपर बिहार के लाल ईशान किशन की, जिसके मजाक, जिद और जुनून ने भारतीय क्रिकेटर बनाकर ही छोड़ा और आज भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा बन गया है। हम ईशान किशन के क्रिकेटर बनने की कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले ईशान किशन के निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं और फिर हम आपको उनके क्रिकेटर बनने की कहानी भी बताएंगे। ईशान किशन का पूरा नाम ईशान प्रणव कुमार पांडे किशन है। ईशान का जन्म 18 जुलाई 1998 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई राज किशन है जिन्होंने बिहार के लिए क्रिकेट खेला है। महेंद्र सिंह धोनी, एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर को अपना आदर्श मानने वाले ईशान किशन को क्रिकेट के अलावा टेबल टेनिस और बिलियर्ड खेलना पसंद था। 24 साल के इस युवा बल्लेबाज की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना में हुई, तो वहीं कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से की। पिता प्रणव कुमार पांडे बिल्डर हैं और माता हाउसवाइफ। पढ़ाई के प्रति लापरवाही और क्रिकेट के प्रति छोटा सा मजाक के साथ जिद और जुनून ने उन्हें टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने का सपना पूरा कराया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं टीम इंडिया की 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले ईशान किशन को आखिर यह जर्सी पहनने के लिए क्या क्या संघर्ष किया और कैसे उनके एक मजाक ने उन्हें देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना पूरा करा दिया। तो हुआ कुछ यूं कि ईशान किशन जब छोटे थे तो उनके बड़े भाई राज किशन अपने अंडर 14 के ट्रायल के लिए तैयारी कर रहे थे। भाई के हाथों में बैट और पीठ पर क्रिकेट किट देखकर ईशान किशन ने जिद किया कि मुझे भी भाई के साथ ट्रायल देखने जाना है। उनकी यह जिद देखकर पिता से रहा नहीं गया और उन्होंने राज के साथ ईशान को भी भेज दिया, इसे ईशान किशन का मन बहल जाएगा। राज ने अपना ट्रायल किया जिसे ईशान किशन बड़ी ही उत्सुकता से देख रहा था। फिर ईशान किशन ने ट्रायल दिया जहां ईशान ने 2-4 धमाकेदार और कलात्मक शॉट देखने के बाद भाई राज और सेलेक्टर हक्के बक्के और भौचक्के रह गए। तब ट्रायल के सेलेक्टरों ने ईशान किशन को भांप लिया और कहा कि यह कोई आम लड़का नहीं है। एक ही नज़र में देखकर उन्होंने ईशान को सेलेक्ट कर लिया और उनके भाई से कहा इस लड़के में कुछ स्पेशल है। महज 7 साल की उम्र में ईशान किशन ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन तब ईशान खेल को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे। चूंकि ईशान के बड़े भाई भी घरेलू क्रिकेट खेलते थे, लेकिन पिता को लगा क्रिकेट के रिस्क हैं और भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्हें चिंता सताने लगी कि करियर बनेगा या नहीं। उन्होंने दोनों में से किसी एक को क्रिकेट खेलने को कहा। तब बड़े भाई राज ने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया और ईशान को बड़ी मेहनत से क्रिकेट खेलने को कहा। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ईशान को अपनी पढ़ाई में जरा से भी इंटरेस्ट नहीं था। ईशान क्लास में पूरी दिन कॉपी में क्रिकेट से जुड़े कार्टून बनाते रहते थे, साथ ही खुद को दर्शक दीर्घा में चीयर करते हुए फोटो बनाते थे। ईशान इतने शरारती थे कि पेरेंट्स को उनकी शिकायत सुनने से फुर्सत नहीं मिलती थी। शरारत कुछ ऐसे भी थे कि जब वह गली में क्रिकेट खेलते तो दूसरों के दरवाजे में बॉल मारकर छिप जाते थे। ईशान जब 6 साल के थे तो उन्हें अपने एयर पेयर करने में थे, लेकिन स्कूल इसके खिलाफ था। तब ईशान ने कहा था कि ये उनके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी। एक दिन ईशान के कोच उनके पिता के पास आए और कहा आपका बेटा स्पेशल है और आपको इसे सीरियस क्रिकेट खिलाना चाहिए। उनके पिता ने इजाज़त दे दी। ईशान ज़्यादातर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे और एक बार स्कूल का एक विकेटकीपर नहीं आया तो ईशान किशन को विकेटकीपर की जिम्मेदारी मिली।
उस दिन ईशान ने विकेट के पीछे दो कैच और एक स्टंप किया। फिर उन्हें विकेट कीपिंग रास आने लगी और उन्हें लगा कि कीपिंग सही साबित होगी। एक बार ईशान किशन स्कूल वर्ल्ड कप में खेले गए टूर्नामेंट में कप्तान नियुक्त हुए, लेकिन DPS स्कूल ने उन्हें क्रिकेट छोड़ने को कहा, लेकिन ईशान ने स्कूल ही छोड़ दिया। BCCI और बिहार की नोक झोंक से बिहार क्रिकेट समाप्त हो गया था। तब उनके भाई और कोच ने उन्हें झारखंड भेज दिया। तब उन्होंने वहां पहले सेल के लिए खेला, फिर अंडर 16 में चुने गए। अच्छे खेल की वजह से उन्हें अंडर 19 में मौका मिला। यहां से उन्होंने अपने खेल को ही बदल कर रख दिया। उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। रणजी के एक मुकाबले में 14 छक्के लगाकर 210 रनों की पारी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। साल 2016 में बांग्लादेश में हुए अंडर 19 विश्व कप में उन्हें कप्तान बनाया गया, लेकिन फाइनल में भारत वेस्टइंडीज से हार गए। लेकिन उनकी कप्तानी ने बहुत प्रभावित किया था। झारखंड के मेंटोर रहे धोनी ने उस वक्त ईशान किशन को कहा था कि तुम एक अटैकिंग बल्लेबाज हो, लेकिन एक खिलाड़ी के नाते तुम्हें अपनी टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना होगा। और देखिए, ईशान किशन ने हाल ही में आक्रामक बल्लेबाजी दिखाकर दोहरा शतक बना डाला। वो दिन दूर नहीं जब ईशान किशन टीम इंडिया के कप्तान होंगे और टीम उनकी कप्तानी में ICC ट्रॉफी जीतेगी। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज बैटिंग के मामले में अंधविश्वासी है। ईशान बल्लेबाजी से पहले अपने गार्ड पर दो बार निशान लगाता है। 24 वर्षीय इस खिलाड़ी का क्रिकेट सफर के दौरान विवादों से भी नाता जुड़ा रहा। जब ईशान किशन अंडर 19 टीम के कप्तान थे, तब उनकी कार से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर लग गई थी। कार उनके पिता चला रहे थे। इस घटना ने रिक्शा में सवार महिला को मामूली चोट आई थी। हालांकि इस मामले को पुलिस ने वहीं पर निपटा दिया था। आइए अब नजर डालते हैं ईशान किशन के छोटे से क्रिकेट करियर पर। साल 2016 ये वो वक्त था जब ईशान किशन को अंडर 19 टीम में भारतीय कप्तान बनाया गया था। IPL में गरजने के बाद ईशान किशन को असल में इनाम पिछले साल के IPL में मिला, जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें 15.5 करोड़ में खरीदा था। हालांकि उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर सका, फिर भी उनकी प्रतिभा और काबिलियत ने टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए। 14 मार्च 2021 ईशान किशन के लिए वह दिन था जब उन्हें 84 नंबर T20 कैप मिली और इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें कई सीरीज में मौके मिले। टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच और चयनकर्ताओं ने उन्हें उसी साल 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका दे दिया और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें टेस्ट सीरीज में भी ऋषभ पंत की जगह टीम का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर ईशान किशन के छोटे से करियर का लेखा जोखा देखा जाए तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में अभी तक 13 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक दोहरे शतक जो उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था 46 की औसत से 507 रन बनाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय T20 में ईशान किशन ने 27 मैच खेले जिसमें 653 रन बनाए। इससे पहले घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन खूब रन बटोर चुके हैं। 46 मैचों में 2805 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 5 सेंचुरी और 16 हाफ सेंचुरी। साल 2016-17 में गुजरात लायंस और वर्तमान में मुंबई इंडियंस से खेलने वाले ईशान किशन क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल कर पाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।